जय श्री कृष्णा। महाभारत एवं हरिवंश का महात्म्य के बारे में आइए विस्तृत वर्णन करते हैं। जनमेजय ने वैशंपायन जी से अनुरोध किया, भगवान, विद्वान पुरुषों को महाभारत का श्रवण किस विधि से करना चाहिए, इसका फल क्या है, समाप्ति पर किन देवताओं की पूजा अर्चना करें, पर्व समाप्ति पर क्या दान करना चाहिए, वाचक के क्या क्या गुण हों, उसे दान दक्षिणा में क्या दें, कृपा करके सब विस्तार पूर्वक बताएं। वैशंपायन जी ने सुनाने लगे, राजन सुनो, स्वर्ग के सभी देवता लीला के लिए धरती पर अवतरित हुए थे, अपनी अपनी लीला प्रकट करके सभी वापस देवलोक को लौट गए। महिपाल जी, भूतल पर ऋषियों और देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस महाभारत में रुद्र, साध्य, सनातन, विश्वेदेव, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, लोकपाल, महर्षि गुहक, गंधर्व, नाग, विद्याधर, सिद्ध, धर्म, स्वयंभू, ब्रह्मा जी, श्रेष्ठ कात्यायन, मुनि, पर्वत, सागर, नदियाँ, अप्सराएं, ग्रह, स्वतसर, अयन, ऋतु, स्थावर व जंगम रूप जगत देवता और असु, ये सब इस महाभारत ग्रंथ में देखे जाते हैं। इन सबके गुण, नाम, कर्म आदि का गुणगान करने से मनुष्य घोर पातक से भी मुक्त हो जाता है। लेकिन हाँ, इस पवित्र कथा को आदि से अंत तक संयम, एकाग्रचित और भक्ति भावना से श्रवण करना होगा, तभी इसके गुण पढ़ने का उत्तम फल प्राप्त होता है। महाभारत ग्रंथ पुराण को सुनकर यथाशक्ति और यथाभक्ति दान देना करना अच्छा होता है। गायें, दूध, वस्त्र, आभूषण, फल, वाहन, शैया व पात्र आदि वस्तुएं दान की जाती हैं। कोई चाहे तो घोड़े, हाथी, रथ, भूमि आदि भी दान कर सकता है। इन श्रेष्ठ वस्तुओं को दान करने से ही सत्यता, सरलता, पवित्रता, शुद्ध आचरण की प्राप्ति होती है और हमारी सब प्रकार मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब सुनो कि कथावाचक को भी वेद, विज्ञा, शास्त्र, ज्ञाता, सुसंस्कृत, चरित्रवान, शुद्ध, श्वेत वस्त्रधारी, श्रद्धायुक्त, सौम्य, संयमी, जितेंद्रिय, सत्य एवं स्पष्टवादी और यशस्वी उदारचित होना अपेक्षित है। वह जल्दबाजी और कठोर उच्चारक ना करे, स्पष्ट वक्ता हो, कोई अक्षर, शब्द अथवा वाक्य टूटे नहीं, आठों स्थानों से उच्चारित होने वाले कुल वर्णों से युक्त महाभारत पाठ इस प्रकार करें कि प्रत्येक वर्ण का विवेक, संयम स्वयं स्पष्ट होता रहे। वाचक को चाहिए कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके पुराण एवं महाभारत का पाठ प्रारंभ करो। अवंछित बातें नहीं बनाएं, कथा का रस बनाए रखें, वाणी में कर्कशता तथा अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, वह शुद्ध एवं स्वस्थ शरीर एवं एकाग्र भाव से कथा कहें। आइए अब हम महाभारत एवं हरिवंश पुराण सुनने और पढ़ने का क्या फल है उसके बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। तो वैशंपायन जी ने जन्मेजय को हरिवंश पुराण अथवा महाभारत को पढ़ने सुनने से प्राप्त होने वाले फल को इस प्रकार कहते हैं। हे भरतनंदन, जो श्रोता शोच, संतोष आदि नियमों का पालन कर पवित्र मन से प्रथम भाग का सुनता है, उसे चाहिए कि वह ब्राह्मणों को अभीष्ट दान करे, फिर उसे अग्निष्टोम फल प्राप्त होता है। वह अप्सराओं से युक्त विमान में दिव्य स्थान स्वर्ग अथवा देवलोक में प्रस्थान करता है। द्वितीय पारण पूर्ण होने पर अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह संपूर्ण रतन जड़ित विमान में आरूढ़ होकर दिव्य मालाएं एवं वस्त्रों को धारण कर आभूषणों से श्रृंगार कर गंध विभूषित होकर देवलोक में सम्मानित होता है। इसी प्रकार तीसरी पारणा करने पर द्वादश यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। वह देवताओं का स्वा तेजस्वी रूप धारण करता हुआ 10,000 वर्षों तक देवलोक में निवास करता है। इसी प्रकार चौथी पारणा पर उसे वाजपेय यज्ञ का और पांचवी बार इससे भी दोगुना फल का लाभ मिलता है। वह सूर्यदेव का समान तेजस्वी विमान पर देवताओं के संग आरूढ़ होकर इंद्र भवन में 10,000 वर्षों तक का मोक्ष प्राप्त करता है। छठी पारणा में से उसे 4 वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। श्रोता वेद्युर मणियों से युक्त दिव्य विमान से सूर्य की भांति सभी लोकों को इच्छा अनुसार यात्रा कर पाने में समर्थ होता है।
सातवां पारण होने पर मनुष्य को 12 वाजपेय यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, जिसमें उज्ज्वल एवं विशाल मणियों से विभूषित, अप्सराओं से अलंकृत, इच्छा अनुसार चलाने वाले दिव्य विमान की सवारी करके अन्य लोकों का भ्रमण करते हैं। आठवें पारण पर राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। वह पुरुष चंद्रोदय के समान उज्ज्वल, मन के समान वेगशाली, अश्वों से जूते हुए रमणीय विमान पर आरूढ़ होता है, दिव्यांगनाओं की गोद में शयन करता है। नौवें पारण की समाप्ति पर मनुष्य को सर्वोत्तम अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। स्वर्ण स्तंभ, मणिमयी वेदी, स्वर्ण द्वार, अप्सराओं से युक्त दिव्य विमान पर दिव्य मालाओं को धारण कर देवताओं संग इच्छानुसार भ्रमण करता है। दसवें पारण पर किंकियोनियों से शोभित ज्ञान विद्या पताका से युक्त रत्न जड़ित वेदी मणिमय तोरण द्वारों से शोभित ज्ञान विद्या से युक्त होकर दिव्य यान को प्राप्त करता है। वह शीश पर प्रभा युक्त मुकुट, दिव्य मालाएं, गंध अनुलेपन से सुंदर रूप कांति वाला दिखाई देता है। स्वर्ग सहित कई कई लोकों में भ्रमण करता हुआ सूर्य भवन में विराम करता है और भगवान विष्णु के सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मैंने एकदम ठीक और उचित बात कह दी है। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करने चाहिए। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा भाव रखे। अतः यह मैंने अपने गुरुवर वेद व्यास जी का कथन आपके समक्ष रख दिया है। आइए अब हम दान और पुष्प के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। महाभारत की कथा श्रद्धापूर्वक एवं नतमस्तक होकर सुननी चाहिए। कथा कहने वाले विद्वान ब्राह्मण को सामर्थ्य के अनुसार हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि का दान करना उचित है। उसके लिए कड़े कुंडल, नूतन यज्ञोपवीत, नूतन वस्त्र तथा गंध आदि देकर देवतुल्य पूजा करनी चाहिए। इससे श्रोता भगवान विष्णु लोक में जाता है। इसके प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर श्रद्धा एवं भक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। कथा का प्रारंभ स्वस्तिवाचक द्वारा नर नारायण और माँ सरस्वती की वंदना करने के पश्चात करें। आदि पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करें। उसे वस्त्र, गंध अर्पित करके मधुयुक्त खीर, फल, कंदमूल, घी, शहद एवं गुड़ का भात खिलाएं। सभा पर्व के समाप्त होने पर पूष, अपूष, मोदक और खीर का भोजन करवाना चाहिए। इसी प्रकार वन पर्व की समाप्ति पर जल का कुंभ, फल फूल एवं नाना प्रकार भोजन करवाकर ब्राह्मण को संतुष्ट करें। विराट पर्व के समापन पर वस्त्र दान करना उचित होना चाहिए। उद्योग पर्व पर समाप्त होने पर उत्तम वस्त्र व स्वादिष्ट भोजन करवाएं। द्रोण पर्व की समाप्ति हो तो भोजन के अतिरिक्त तलवार अथवा धनुष बाण का दान करें। इसी प्रकार कर्ण पर्व की इति हो तो संयत मन से ब्राह्मणों को श्रेष्ठ पदार्थों का भोजन कराकर संतुष्ट करें। शल्य पर्व की इति श्री होने पर मोदक, गुड़ का भात दीजिए। गदा पर्व के निपटान पर मूंग मिश्रित अन्न का भोजन दें। स्त्री पर्व की समाप्ति हो तो घी मिला अन्न दें। शांति पर्व की समाप्ति होने पर हविष्यान दें। अश्वमेघिक पर्व के समापन पर उपकरणों सहित श्रेष्ठ अनाज और आश्रम वासिक सर्व पर्व की समाप्ति पर भी घी मिलाकर अन्न दीजिए। मौसल पर्व में सर्वगुण संपन्न अन्न, गंध माला और अनुलेपन का दान करें। महाप्रस्थानिक पर्व पर मनोवांछित भोजन दीजिए और स्वर्गारोहण पर्व के समापन पर हविष्य का भोजन कराएं। हरिवंश की समाप्ति पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वर्ण पदक से युक्त एक गौ का दान करें। बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर वाचक को स्वर्ण युक्त पुस्तक अर्पित करें। वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजी से कहा, नृपश्रेष्ठ, जो पुरुष एकाग्रचित होकर हरिवंश के एक श्लोक, एक चरण अथवा एक वाक्य का भी श्रवण करें तो वह भगवान विष्णु रूप श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। ग्रंथ पाठ की समाप्ति पर पत्नी सहित श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विधान है। कथावाचक को भूमि, अन्न, वस्त्र व गाय देकर पूजा अर्चना करने पर साक्षात विष्णु का ही पूजन होता है। कथा को शांति चित्त, स्वस्थ मन से श्वेत वस्त्र एवं सौम्य आभूषण धारण कर एक प्रतिमा भारत के ग्रंथ को असमान रेशमी वस्त्र में लपेट कर पवित्र स्थान पर रखकर गंध, पुष्प, माला आदि से पूजन करें।
श्रोतागण अपनी इच्छा अभिलाषा से दान करें। परम पद की प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान विष्णु की कथा और सनातन श्रुतियों के विशद दर्शनों से महाभारत ग्रंथ को श्रद्धा सदा श्रवण करते रहें। उपर्युक्त साधनों द्वारा हरिवंश पुराण सुनने से सब इच्छाएं परिपूर्ण होती हैं। मात्र हरिवंश पुराण के सुनने से ही सहस्रों अश्वमेघ यज्ञों एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का लाभ मिलता है। हे प्रभु, हे विष्णु, आप तो अजर अमर अनंत सगुण निर्गुण सूक्ष्म स्थूल उपमा अनुपमेय से परे एवं योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य हैं। अतएव हे विष्णु, हे ईश्वर, हे जगतगुरु, मैं आपकी शरण में हूँ। इस हरिवंश पुराण के श्रवण करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। सबका कल्याण हो, सबकी इच्छा कामना पूर्ण हो, सबके लिए अर्थ सिद्ध हो। आइए अब हम युग वर्णन के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। महापंडित वैशंपायन जी ने युग वर्णन करते हुए राजा जनमेजय से कहा कि युग चार होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का समय 4000 वर्षों का होता है। इसकी संध्या और रात्रि संध्यांश का समय 800 वर्षों का होता है। यह काल धर्म पर आधारित होता है, अधर्म का अंश कम रहता है। धर्म ध्वजा का सम्मान होता है, लोग अपने कर्तव्यों का स्वतः ही पालन करते हैं। राजा प्रजा के हितार्थ उचित व्यवस्थाएं करते हैं। ब्राह्मण धर्मपरायण और मर्यादाओं का पालन करने वाले होते हैं। सत्य, अहिंसा, तप और धर्म की जय होती है। आइए, त्रेता युग में 3000 वर्षों का होता है और इसकी संध्या और संध्यांश 600 वर्षों का होता है। धर्म के क्षेत्र में अधर्म की पेट आरंभ हो जाती है, या यूँ कहें कि अधर्म के पांव निकल आते हैं। जैसे कि धर्म के 3 पांव रह जाते हैं, धर्म, सत्य, सही, अहिंसा और तप में लोगों की रुचि कम होने लगती है। चारों वर्णों में विकार का आना निश्चित होने लगता है। द्वापर मात्र 2000 वर्षों के लिए होता है। इसकी संध्या लगभग 400 वर्षों की कही गई है। ब्राह्मण धन के लोभ से ग्रसित होने लगते हैं, शूद्र बुद्धि का विकास होने लगता है। यहाँ आकर धर्म के 2 पांव और अधर्म के 3 पांव माने गए हैं। लोग बाघ धर्माचरण व्रत उपवास से किनारा करने लगते हैं। ब्राह्मण तब दुर्बल होने लगते हैं। कलयुग तो जो है सो आज सबके सामने है। इसकी आयु 1000 वर्ष और 200 वर्ष की संध्या मानी जाती है। अधर्म चारों पांवों पर खड़ा होता है और धर्म का मात्र 1 पांव रह जाता है। धर्म, सत्य, अहिंसा और तप सब में पाखंडेय प्रधान होता है। मनुष्य अहंकार और दिखावा करता है, शुद्ध ब्राह्मणों वाले कर्म करते हैं और ब्राह्मण शुद्र के कर्मों को अपनाने लगते हैं। लोग वर्णों को त्याग करके वर्ण संकर होने लगते हैं। प्राय स्त्री प्राय मर्द मिलने में स्वाभिमान माना जाता है। इसी प्रकार से एक महायुग 12000 वर्षों का हुआ, 71 महायुगों का मिलान करे तो एक मनवंतर कहलाता है। यही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। शिव जी प्रलय हेतु तांडव करते हैं, इस प्रलय में कोई भी जीव बचा नहीं रहता। शंकर भगवान सबका विनाश कर देते हैं। आइए अब हम भगवान विष्णु का दायित्व उसके बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। हे राजन, जन्मेजय जी वैशंपायन जी ने संबोधन करके चेताया और बताया कि स्वयं भगवान विष्णु जी 7 सूर्यों का सा तेज प्रकट करते हुए कुल सृष्टि के हर कोने अंतरे अर्थात कुआं, नदी, समुद्र आदि जल के स्रोत को शोषित कर देते हैं। पृथ्वी टुकड़ों में बंटती हुई सी रसातल में चली जाती है। नई सृष्टि की उत्पत्ति करने से पूर्व श्री विष्णु जी सभी देवताओं को भी अपने में विलीन कर लेते हैं। सभी देवताओं और प्राणियों की इंद्रियां, गंध, प्राण आदि पार्थिव गुण पृथ्वी को, रूप, नेत्रादि अग्नि गुण अग्नि को, इस प्रकार प्राण वायु को और आर्द्रता रस आदि पुनः जल को प्राप्त हो जाते हैं। अतः सभी प्रकार के गुण अंततः भगवान ऋषिकेश के अधीन हो जाते हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप महाअग्नि भयंकर रूप धारण कर लेती है, जिसे संवर्तक अग्नि कहते हैं। इस अग्नि अर्थात संवर्तक में वनस्पतियां, जड़, चेतन संपूर्ण रूप में भस्म हो जाते हैं। इसके पश्चात
ही स्वयं भगवान विष्णु मेघ रूप धारण करके सब कुछ स्वाहा हुए को शांत कर लेते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड जल में दिखाई देता है। जल राशि में सर्वत्र भगवान विष्णु ही दिखाई पड़ते हैं। इस महायोग की अवस्था में श्री भगवान विष्णु जी वर्षों तक रहते हैं। उनकी इस अवस्था को एकार्णव अवस्था कहते हैं। जब एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, ना कोई पिता, ना माता, ना कोई सहायक, कोई नाप नहीं, कोई सीमा नहीं, ऐसे में अकेले भगवान विष्णु ही आकाश, भूमि, पवन, सुरेश्वर आदि का आधार स्वरूप होकर शयन करते हैं। यही भगवान विष्णु का दायित्व होता है और यही एक कारणव अवस्था है।